love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always. Hey guys, welcome back to the Movies Blaster. So friends, आज हम आपके लिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर रेटेड मूवीज को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ऑसम होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी इस लिस्ट की नंबर 6 मूवी है द प्रेडेटर। ये मूवी आई थी 2018 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई एक लड़के की, जिसको एक ऐसी डिवाइस मिलती है जिसको ऑन करने के बाद वो गलती से पूरे ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक हंटर को पृथ्वी पे बुला लेते हैं और वो लोग आए हैं इसको मारने के लिए और इस डिवाइस को वापस ले जाने के लिए। ये लड़का मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स के साथ होता है। ऐसे में सोल्जर्स उन हंटर का सामना कर पाते हैं या नहीं, वो आप इस मूवी में देखें। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 5.3/10 की। हमारी नेक्स्ट मूवी है ड्राइव एंग्री। ये मूवी आई थी 2011 में। ये एक एक्शन फैंटेसी थ्रिलर मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई एक आदमी की, जो हेल से भाग के पृथ्वी पर आ जाता है क्योंकि ये बदला लेना चाहता है एक आदमी से जिसने इसकी बेटी को मारा था और उसकी पोती को किडनैप करके ले गया था। ये अपनी पोती को बचाना और अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। इसके बाद आगे क्या होने वाला है वो आप इस मूवी में देखें। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 5.4/10 की। हमारी नेक्स्ट मूवी है रोबोकॉप। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन क्राइम साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई है 2028 की, जब एक पुलिस वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में ये अपनी सारी बॉडी को खो देता है, जिसके कुछ बॉडी के पार्ट्स बच जाते हैं, लेकिन उसका सर और हार्ट और कुछ पार्ट्स होते हैं। डॉक्टर उसको बचाने के लिए एक रोबोटिक बॉडी देते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा रोबोकॉप बन जाता है। बट जिन लोगों ने इसको बॉडी दी थी, वो उससे कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिसको ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। आखिर में वो काम क्या होता है वो आप इस मूवी में देखें। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 6.1/10 की। हमारी नेक्स्ट मूवी है रैम्बो लास्ट ब्लड। ये मूवी आई थी 2019 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई है रैम्बो की, जिसके करीबी इंसान को कुछ लोगों ने मार दिया था। जिन लोगों ने उसको मारा वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, और कैसे रैम्बो उनको मारता है वो आप इस मूवी में देखें। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 6.1/10 की। हमारी नेक्स्ट मूवी है जॉन विक। ये मूवी आई थी 2014 में। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई है हिटमैन की, जिसने अपना काम छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी वाइफ को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये एक डॉगी के साथ रह रहा होता है। वो डॉगी इसको वाइफ ने दिया था। ये डॉगी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर कुछ लोग इसके डॉगी को मार देते हैं और इसकी भी बुरी हालत कर देते हैं, जिसके बाद ये डिसाइड करता है ये उन सभी लोगों को मार डालेगा जिन लोगों ने इसके डॉगी को मारा है। जिसके बाद ये उन सभी लोगों को कैसे मारता है वो आप इस मूवी में देखें। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट मूवी है द मैट्रिक्स। ये मूवी आई थी 1999 में। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी दिखाई गई इंसानों की, जिनको रोबोट्स ने गुलाम बना दिया है। उनके दिमाग को, उनके कॉन्शियसनेस को एक डोमेट्रिक के बहुत बड़े सिविलाइजेशन के अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर बांध करके रखा है। पर उसी बीच नियो नाम का एक आदमी उठ जाता है, उस प्रोग्राम से आजाद हो जाता है। अब ये डिसाइड करता है कि ये उन सभी लोगों को उन रोबोट से बचाएगा। ये सब कैसे होगा, किस तरह से होगा आप देखें इस मूवी में। इसके तीनों पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 8.7/10 की। तो गाइस, ये सब मूवीज आर रेटेड मूवीज है। इसको आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।